गुड मॉर्निंग, हरि ओम। नाउ वेलकम टू स्टैंडर्ड 7, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन 5, हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी एक कविता है, उस कविता को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। कविता है छोटी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसकी एक्सरसाइज भी हम थोड़ा करवा देंगे। ओके, हिंद देश के निवासी के बारे में कवि क्या कहते हैं कि भारत, पहले तो हमारा भाव है भारत के बारे में। भारत एक हमारा निराला देश है, मालूम है ना, सबसे प्राचीन। भारत को प्राचीन देश कहा जाता है, प्राचीन को बूढ़ा भारत भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पुराना देश हमारा भारत है। यहाँ अनेक जातियों के लोग रहते हैं, धर्मों के लोग रहते हैं, और अनेक जाति धर्म वाले लोग अलग अलग भाषा भी बोलते हैं। यहाँ की प्रकृति से में भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इतनी विविधता के बावजूद भी यहाँ एकता है, लोगों में मानवता है, लोगों में इंसानियत है, एक होकर जुट होकर के रहने की भावना है। यहाँ सब लोग मिल मिलकर रहते हैं। इस कविता में हमारे देश का यही निरालापन बताया गया है कि कवि ने क्या बोला है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। क्या बोला है? हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल बूटे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना गुड़गुड़ राग मगर एक है। क्या बोला है? विविधता में एकता देश के, हमारे देश की विशेषता है। हम लोग कौन है? हिंद देश के वासी। कौन है हम लोग? हिंद देश के वासी। हम लोग भारत में रहने वाले हैं। हिंद मतलब भारत। पहले आपका हिंद का नाम तो हिंदुस्तानी था ना, तो हिंदुस्तान जो है हिंद, भारत का नाम है। भारत जो है हिंद के बारे में, उनके रंग रूप पहचाना और भाषाएं सब भले ही अलग हो, लेकिन हम लोग सब कौन है? हिंद देश के वासी है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। बेला मोगरा, गुलाब जूही, चंपा चमेली, ये सब आदि आदि फूल हैं। ये सब फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये सब जो है फूल, प्यारे प्यारे फूल माला गुंथने पर एक बन जाते हैं। क्या बोला? बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, माला फूल उठे माला तो एक। अगर इन क्या कहते हैं फूलों को अलग अलग रखा जाए तो ये अलग अलग इनकी क्वालिटी बताई जाती, लेकिन जब एक माला में गूंथ दिया जाए तो क्या हो जाता है? एक बन जाता है। उसी तरह से हमारे देश में अलग अलग तरह के भारतवासी लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा भारत क्या है? हिंद देश। एक क्या है? कोयल की कूक प्यार न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। यहाँ पे कोयल, हमारे देश की जो कोयल है, कोयल की बोली भी बहुत निराली है। पपीहे की बोली भी उतनी ही मिठास है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सभी पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हों, उनका सबका लेकिन राग क्या है? एक है। इसी तरह अलग अलग बोली भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज भी एक है। सब कुछ एक है। गंगा यमुना ब्रह्मा ब्रह्मपुत्र कृष्णा पार्वती, ये सब अलग अलग है नदियाँ। गंगा अलग है, यमुना अलग है, ब्रह्मपुत्र अलग है, कृष्णा अलग है, कावेरी अलग है।
लेकिन जब वो सागर में जाकर मिलती है तो क्या हो जाती है, सब एक हो जाती है, कोई सब एक है। धर्म है जिनका अंत का सार वही है, पंथ है निराले सबकी मृत्यु। मैंने बोला कि पंथ तो निराले हैं, लोगों के रास्ते अलग हैं, लेकिन सब जो है एक ही रास्ते पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, एक ही रास्ते पर जाते हैं, वे मिलकर सब एक हो जाते हैं। यानी इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बनाता है। धर्म है अनेक पर उनका सार और तत्व एक ही है सबका। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं, लेकिन फिर भी उनका ध्येय यही है कि मनुष्य को उन्नत बनाना, आगे बनाना है। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना। इस तरह से हमारा देश क्या है, एक विविधता में एकता है। हमारा देश विविध है लेकिन फिर भी एक है, सबको एक बना करके, एक करके अभिन्नता विविधताएं के होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्र विभिन्न दृष्टों पर, यानी सब तरह का उदाहरण दिया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करवाते हैं। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ लिखवा देते हैं, क्योंकि शब्दार्थ ही लिखा रहोगे तो ही तुम लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ करते हैं। शब्दार्थ का मतलब क्या होता है, शब्दों का अर्थ लिखना। क्या होता है मतलब, शब्दों का अर्थ लिखना। जैसे हिंद, हिंद के बारे में आपको पता है, हिंद को हम किसको बोलते हैं, भारत को, भारत को हिंद बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं। जब भारत आजाद नहीं हुआ था, भारत आजाद नहीं हुआ था ना, तब हम हिंदुस्तान कहते थे। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, ये सब एक उसमें थे, तो हिंदुस्तान उस समय ये कहता था। नंबर टू, निवासी मतलब रहने वाले। Thank you.
ये शब्द Thank you.
एक हो गया, ठीक है। सभी धर्मों का सार क्या है? उद्देश्य सारे मतलब तत्व, तत्व यानी उद्देश्य, मॉरल, शिक्षा, सभी धर्मों का सार, एक ही है। मनुष्य जो बुराइयों से दूर रखना और सुंदर बनना, सेंटेंस के रूप में बनाना है। तो हम ये पंखुड़ियां आपको ब्लैकबोर्ड पर बना करके दिखाएंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 डाल करके इसका आंसर डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है? ओके, अब प्रश्न नंबर 2 क्या है? 2 का अ, प्रश्न नंबर 2 अ शब्द पंखुड़ियां अंगुड़ियां को उचित कर्म क्रम में रख कर आपको बनाएंगे। वाक्य नंबर 1 है, नंबर 1 वाक्य क्या बनेगा? हम भारत देश के निवासी हैं। पहला वाक्य हम भारत देश के निवासी हैं। दूसरा वाक्य कोयल की आवाज मधुर होती है।
कोयल की आवाज मधुर होती है। तीसरा, तीन नंबर, हमें फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। फूलों की तरह हमें हंसते रहना चाहिए, ठीक है। ये शब्द पंखुड़ियां को उचित क्रम में रखकर के वाक्य बनाए, जो आपकी टेक्स्ट बुक में मैंने आपको दिखाया कि वो शब्द पंखुड़ियां हम नहीं बना रहे हैं, आपको यहाँ पे बना करके दिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सिर्फ सेंटेंस बना करके दिखा दिए आपको, ओके। तो इतनी एक्सरसाइज अभी पार्ट वन में हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप लोग ये लिख लीजिए